Hi friends, welcome to DM classes. In last session we have learned Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. Now today we will start with practice set 2.1. Question number first. Identify with reason which of the following are Pythagorean triplet? First, 3, 5 and 4. Solution. अब यहाँ पर देखिए 3, 5, 4 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5 है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले 5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी? 5. तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. अब हम बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25. इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स या अदर टू साइड्स. और अदर टू नंबर्स. देयरफॉर 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिप्लेट. सेकेंड, 4, 9 and 12. अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 12 है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर फाइंड करेंगे. तो 12 स्क्वायर इक्वल टू 144. 12 का स्क्वायर 144 होता है. 12 स्क्वायर इक्वल टू 144. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. अब हम बाकी की दो साइड जो है 4 और 9 उसका स्क्वायर करके 8 फाइंड करेंगे. 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 9 स्क्वायर मीन्स 81. 16 प्लस 81 इक्वल टू 97. 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 97. इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड में दोनों ही ये नंबर्स यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर ये नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिप्लेट नहीं है. द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द
स्क्वेयर्स ऑफ द अदर टू नंबर. देयरफॉर 4, 9 एंड 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. Third, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 74. तो सबसे पहले हम 74 का स्क्वायर फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन, 74 स्क्वायर इक्वल टू 5476. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. अब बाकी की दो जो साइड्स है उनका स्क्वायर करके एडिशन करेंगे. 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर है 576 प्लस 70 स्क्वायर मीन्स 4900. 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 4900 इक्वल टू 5476. इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों ही वैल्यू इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 74 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ए अदर टू नंबर. देयरफॉर 24, 70 and 74 is a Pythagorean triplet. Question number second. In the adjoining figure, angle MNP equal to 90 degree, segment NQ is a perpendicular of segment MP. MQ equal to 9, QP equal to 4. Find and Q. M, N, P. And NQ is a perpendicular of segment MP and Q. N is 90 degree. Solution. In triangle MNP, angle MNP equal to 90 degree and segment NQ is a perpendicular of segment MP. It is given. Therefore, Theorem of geometric mean से हम लिख सकते हैं NQ square इक्वल टू MQ into QP. Theorem of
geometric mean. Therefore, nq equal to nq square equal to mq. mq की वैल्यू हमारे पास 9 है into qp, qp equal to 4. Taking square root of both sides, taking square root, of both sides, nq square root and root 9 into 4, square से root cancel, for nq equal to 3 into 2, 3 का square 9 and 2 square means 4. 3 into 2 whole square, square से root cancel. nq equal to 3 to ja 6 units. Answer. Question number 3. In the adjoining figure, angle QPR equal to 90 degree and segment PM is a perpendicular of segment QR and QMR are collinear points. PM equal to 10, QM equal to 8. Find QR. P, Q, R and PM is a perpendicular of QR. PM is a perpendicular of QR. PM equal to 10. QM equal to 8. Find karna hame QR ki value. Solution. In triangle PQR, angle QPR equal to 90 degree and segment PM is a perpendicular of segment QR. It is given. Therefore, theorem of geometric mean, by theorem of geometric mean, PM square equal to QM into QM into MR. PM equal to 10. Therefore, 10 square equal to QM, QM equal to 8 into MR. 10 square means 100 equal to 8 into MR. Therefore, MR equal to 100 divided by 8. 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 0, 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 2 5 ja 10 equal to 25 divided by 2. Therefore, MR equal to 12.5 units. अब ये हमारे पास MR की वैल्यू आ गई. MQM की वैल्यू हमारे पास पहले से थी. MR की वैल्यू आ गई. अब हमें QR की वैल्यू फाइंड करना है. तो QR इक्वल टू QM प्लस MR लिख सकती हूँ. Now QR इक्वल टू QM प्लस MR. रीजन क्या होगा? QMR आर कोलिनियर पॉइंट्स. QR इक्वल टू QM इक्वल टू 8 प्लस MR इक्वल टू 12.5. Therefore, QR इक्वल टू 12.5 प्लस 8 इक्वल टू 20 प्लस 5 यूनिट्स. आंसर.
क्वेश्चन नंबर फोर, सी एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड आरपी एंड पीएस, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल PSR. SR equal to 6 and angle P 30 degree, angle S 90 degree. Solution: in triangle PSR, angle S equal to 90 degree and angle P equal to 30 degree, it is given. Therefore, angle R equal to 60 degree by remaining angle of triangle. अब यहाँ पर देखिए एंगल P 30 डिग्री है, एंगल S 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इक्वल टू 180 डिग्री आता है. तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R 30 प्लस 90 120, तो 180 माइनस 120 इक्वल टू 60, तो एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल. RS इक्वल टू 36 एंड 90 ट्रायंगल्स हम जानते हैं, RS इक्वल टू 1/2 RP, हाइपोटेनस का हाफ होता है. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस वाली साइड के हाफ होती है. देयरफॉर RS इक्वल टू 6 इक्वल टू 1/2 इंटू RP. देयरफॉर RP इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 यूनिट्स. ऑल्सो PS इक्वल टू, अब यहां पर PS की वैल्यू क्या होगी, √3/2 RP. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 इंटू RP. RP की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 12. 2 6 12 इक्वल टू 6√3. देयरफॉर RP इक्वल टू 12 यूनिट्स एंड PS इक्वल टू 6√3 units. PS equal to 603 units. Answer. Question number 5. For finding
ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ए बी सी एंगल बीज 90 डिग्री ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए सी इक्वल टू रूट 8 सॉल्यूशन ए बी इक्वल टू बी सी इट इज गिवन देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू एक्स बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे तो यहाँ पर एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल सी और यहाँ बी सी का अपोजिट एंगल है एंगल ए लेट ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री रीजन सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री हमने यही प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 में आर एंगल आर की वैल्यू 60 फाइंड की थी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह हमने यहाँ पर लिया था एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर तो यहाँ पर एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री आई थी इट इज नोटेड बाय इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एक्स प्लस एंगल बी 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देयरफॉर एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री देयरफॉर 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री देयरफॉर x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 इक्वल टू x इक्वल टू 45 डिग्री देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू x x मीन्स 45 डिग्री Therefore, triangle ABC is a 45-90 triangle. Therefore, AB equal to BC equal to 1 by root 2 AC. 45-90 triangle say
परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही साइड हाइपोटेनस की 1/√2 होती है, इक्वल टू 1/√2 इंटू ए सी, ए सी मीन्स 8√8, इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ रूट एट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब यहाँ से हम 2 × 2 का पेयर बनाएंगे, तो 1/√2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा 2 का पेयर बन के, 2 अंदर बचेगा रूट के, √2 से √2 कैंसल, इक्वल टू 2। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 cm. Solution. A, B, C and D. चारों साइड्स इक्वल है यहाँ पर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड ए सी 10 cm. लेट ए बी सी डी बी द गिवन स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इक्वल टू 10 cm इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए ए सी की वैल्यू कितनी, 10 cm, तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 degree, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए एंगल बी 90 degree है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम therefore AC, AC equal to 10 square equal to, अब यहाँ पे देखिए AB square plus BC square, हमें ये साइड से हमें मालूम नहीं है, तो हमने एज्यूम करा कि AB and BC equal to X है, तो X square plus X square, therefore 10 square means 100 equal to 2X square, therefore x equal to 100 divided by 2, 2 × 2, 2 × 5 = 10, therefore x square equal to 50. Taking square root, of both sides, root x square एंड रूट 50, स्क्वायर से रूट कैंसर, एक्स इक्वल टू, देयर फॉर एक्स इक्वल टू 50, रूट 50 इक्वल टू। अब यहां पर देखिए रूट 50 का सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50। अब यहां पर 5 5 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 5 एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा,
और रूट टू अंदर रह जाएगा। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 5√2। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी 5√2। देयरफॉर साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर। And perimeter of square equal to 4 into side equal to 4 into 5√2 equal to 4 5s are 20√2. Therefore, perimeter of square equal to 20√2 centimeter. Answer 20√2 centimeter. Answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.